इसे वेस्ट नहीं करना है बेटा, इसे हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, ग्राइंड करके सुखाने के बाद ग्राइंड करके इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जब भी घर पे कोई टिक्की बनाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने दो स्लाइसेस लिए हैं इसके, इसमें क्या करना है हमने सिरप में डिप करना है। नहीं अभी इसमें मलाई में शुगर, इसमें हम थोड़ी सी इसमें शुगर डालेंगे मलाई में, तो फ्रेश क्रीम है हमारी, इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आपके, ठीक, उसको अच्छे से मैश कर लेंगे, ठीक है। इस पर ये मैम ने अप्लाई किया है इसके ऊपर मलाई को, थोड़ा सा जो हमने चीनी मिक्स करके किया है ना, इसमें हम दूसरा पीस ऐसे लगाएंगे। ये नोट करते जाना, फिर आपने इस एक्टिविटी को मंडे को हमें डिस्प्ले करना है ऑनलाइन, ठीक है, नोट करो इसको। अब हम इसको ऐसे अच्छे से ज्वाइन करके इसको आपका जो रूह अफ़ज़ा का सेंस है इसमें डीप करेंगे अच्छे से। इसको करने के बाद जो हमारा नारियल बूरा है, कोकोनट पाउडर में बेटा वो कर लेंगे हम, जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, इसमें हमने अच्छे से इसको ऐसे लगा देना है। अब इसको हम एक प्लेट में रखकर एक बादाम लगाएंगे या कोई पिस्ता वगैरह आप वो भी लगा सकते, डेकोरेट करना है ना, डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है बेटे। ऐसे एक और बनाकर आपको बताएंगे जो जो मलाई में हमने, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लोग। ये मलाई लगाई, इसमें हैंड वॉश करने हैं अच्छे से पहले, ठीक है, इसको डिप किया। नोट करते जाना जी आपने, अगर नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद जो कोकोनट पाउडर है वही लगाना है हमने फिर से, ये देखने में भी देखो सुंदर लग रहा है। ये हमारा बन गया सेकंड पीस, ठीक है, यस बेटा। ये लास्ट वन, एक और बताऊंगी मैं करके, उसके बाद आपने घर पे ट्राई करना है इसको, ठीक है। अभी जैसे लॉकडाउन था तो ये डिशेज आप लोग घर पे बना सकते हो। ये बेटा डिप किया मैंने, देन ये अप्लाई करो इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें बेटा इजीली अवेलेबल हो जाएंगी आपको ग्रोसरी शॉप पे, सिर्फ ब्रेड लेनी पड़ेगी आपको। नारियल पूरा घर पे भी बना सकते हो, ठीक है बेटा। ये यस, ये हमारी जो स्वीट डिश है ये तैयार हो गई है। इसमें हमने कोई वो यूज़ नहीं किया, गैस को यूज़ नहीं किया, बच्चे जैसे यूज़ नहीं कर सकते, गर्म होती हैं चीज़ें, तो इसको हम अच्छे से ऐसे बना सकते हैं, यस बेटा। तो सेकंड हमारी आप कमेंट बॉक्स में डालो कि आपको कैसी लगी है ये वाली डिश। बाकी किसी ने कुछ इसके बारे में फिर भी पूछना हुआ तो फोन कर लेना बेटा मैम को। सेकंड जो हमारी डिश है वो ब्रेड से ही है बेटा, इसके लिए हमें चाहिए, देखो बेटा सेम ब्रेड चाहिए हमें। ये कुछ मसाले हैं जिसमें लाल मिर्ची पाउडर है, ये कोरिएंडर पाउडर है, जो धनिया पाउडर है, ये नमक घर पे बनाया हुआ है, आप सिंपल वाइट जो सॉल्ट होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा फ्रूट्स हमने ये लिए हैं, अनारदाना है, ये इमली की चटनी है, घर पे बनी है, नहीं है तो आप बाहर से भी ले सकते हो, ठीक है बेटा। पानी चाहिए हमें, उसके लिए हमने क्या करना है, हाँ जी दही जो ज़रूर चाहिए इसके लिए, हम लोग बना रहे हैं दही बड़े, ठीक है। तो ऐसे स्लाइसेस को देखो, साइड्स हैं जो इनकी काट ली है, ब्राउन वाला पार्ट है जो हमने निकाल दिया है, ये देखो मैं एक पीस आपको करके बता देती हूँ। ये फेंकने नहीं है बेटा, जो साइड वाले पीसीज हैं आप इसको फ्राई करके बना सकते हो। आप ब्रेड का बड़े वाला पीस भी ले सकते हो, ये छोटा स्लाइस है ना, आप बड़े वाला यूज़ कर सकते हो इसके लिए, यस बेटा। ये देखो ऐसा पीस आपका बन जाएगा, इसको हमने सबसे पहले पानी में डिप करना है, देखो ऐसे बीच में भिगो के नहीं रखना है, एक बार डाल के जस्ट निकाल लेना है बेटा, पानी निकाल देना अच्छे से। इसमें हम लोग डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट, या फिर आप लोग जैसे परांठा बनाते हैं आलू का, वो जो उसका वो मटेरियल बनाते हैं आलू बॉईल करके, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने डाला किशमिश और बादाम
और इसको हम लोग अच्छे से ऐसे गोल गोल करके रोल कर देंगे बेटा। यस, ज्वाइंट कर देना अच्छे से इसको। ये देखो ये हमारा दही है, ये यूज करेंगे हम लोग। ये देखो अच्छे से रोल बना देना, ठीक है। यही प्रोसीजर बेटा, एक और बनाएंगे हम लोग। ये हमने बादाम डाले हैं इसमें, किशमिश डाली है। अभी हम इसको रोल कर देंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला किया है। ये बेटे हमारे दो बड़े हैं जो बन गए हैं। एक चीनी थोड़ी ऐड करते हैं, चीनी और नमक ऐड करते हैं। दही में बेटा हमने थोड़ा सा चीनी डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने डाला है सॉल्ट, आप कोई भी नमक ले सकते हो, वाइट वाला जो घर पे यूज करते हो। रेड चिली पाउडर जितना खाते हो टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर जो होता है, आप मसाले और अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये बेटे हमारे तीन पीस है जो बनके तैयार हो गए हैं। इनको डिप कर लेना है अच्छे से दही में, फ्रेश कर्ड लेना है आपने। ये हेल्दी होती है इमली की। ये बेटा सेमियां जो आती हैं बाजार में आपको पैकेट में आराम से मिल जाएंगी, तो आप डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो डाल सकते हो आप। अनारदाना ये भी बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो ये हमारी दो डिशेस बन गई हैं इससे ब्रेड से। फर्स्ट हमने बनाए ये रोज़ जो सिरप होता है उसमें डिप करके, और दूसरा दही बड़े बनाए हैं, ठीक है। ये इनको बहुत टाइम ही लगा, हार्डली 10 मिनट दिए हमने। आप लोग इजीली बना सकते हो घर पे। अगर किसी ने कुछ पूछना है बेटा आप पूछ सकते हो, अभी पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हो, वी आर अवेलेबल हेयर। किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क अस। यस बेटा, मटेरियल समझ आ रहा बेटा, क्या पूछ रहे थे, कौन बोल रहा था, पूछो क्या पूछना है। अपना वॉल्यूम आपका कम है शायद। यस बेटा, अगर पूछना है कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर आप पर्सनली पूछ सकते हो रेखा मैम से या मेरे से, ठीक है बेटा। इसको ट्राई करो और फिर हम लोग जब बोलेंगे आपने वीडियो बना के हमें भेजनी है, तो आपने बना के दिखाना है फिर, ठीक है। छोटे 6th के बच्चे, 3rd के, 4th के, कोई भी बना सकता है, इसमें कुछ नहीं करने का है। खुद भी खाओ, जो जो बना सकते हैं हमें वीडियो बना के सेंड कर देना, या स्नैप खींच के सेंड कर देना बना के।